हेलो फ्रेंड्स, मैं सुभी। सुभी की टिप्स में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ उड़द दाल के बड़े। बड़े को मैंने 2 से 3 घंटे फिलो के पानी में रखा था, अब इसे मैंने पीस लिया है। उड़द की दाल को मैंने पीसते समय इसमें 4 हरी मिर्ची डाल दी थी ताकि साथ में ही पिसा जाए। हरी मिर्ची पीस के डालो तो बहुत ही अच्छी बनती है। और दाल को मैंने ज़्यादा चिकना नहीं पीसा है, दरदरा ही पीसा है, जिससे कि बड़े बहुत ही अच्छी तरह से बनते हैं और स्वादिष्ट भी लगते हैं। अब मैं इसमें डालूंगी कोचई के पत्ते। अरबी के पत्ते आप सभी तो जानते हैं, उसे मैंने बारीक बारीक काट लिया है और 2 प्याज को लंबे लंबे स्लाइस में काट लिया है और कुछ मीठी नीम की पत्तियाँ लिया है। इसे हम हाथ से अच्छी तरह से मैश कर लेंगे ताकि सभी थोड़ी सी मैश करके दबा के इसे कर लेंगे ताकि बड़े में जब हम इसे मिलाएं तो आसानी हो। अब मैं इसमें डालती हूँ 1 चम्मच नमक, मतलब स्वाद अनुसार नमक, और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। हरी मिर्च तो हमने डाला ही था, लाल मिर्च आपके ऊपर है डालना नहीं डालना। और चुटकी भर हल्दी। अब थोड़ा सा जीरा लिया है, उसे डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ऐसे मिक्स करना है ताकि पत्ते जो हरे भरे दिख रहे हैं ना, फैले फैले, वो एकदम सिमट जाए, अच्छे से मैश होके कम क्वांटिटी में दिखे ताकि फैले ना बड़ा बनते समय और बहुत ही अच्छा बने। और फ्रेंड्स, कोचई पत्ता आप डालेंगे, अरवी के पत्ते, तो बहुत ही टेस्टी बड़ा बनता है। आप एक बार घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हम ऐसे ही बनाते हैं हमेशा। देखिए, इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने, और भी ज़्यादा मिक्स करेंगे। देखिए, अच्छे से मिक्स हो गया। इस तरह से दिखना चाहिए पत्ते, तब टेस्ट बड़े में टेस्ट आता है। अब सभी को उड़द दाल में मिक्स कर लेते हैं हम। अब सभी को उड़द दाल के साथ मिक्स कर लेते हैं, अच्छे से मिला लेंगे और फिर हम बनाएंगे बड़े। आप एक बार ज़रूर बना के देखिएगा, अरबी के पत्तों के साथ उड़द दाल के बड़े बहुत ही टेस्टी लगता है। हम घर पे बड़े तो बनाते ही हैं और बाहर होटलों से भी खाते हैं, क्यों ना आज इस तरह से बनाएं अरबी पत्ते के बड़े, जो कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और किस किस को बड़े पसंद है वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब मैंने एक छोटी सी कढ़ाई ले ली है, उसमें मैंने तेल ले लिया है। तेल को अच्छी तरह से गर्म करना है और देखिए, बड़े और पानी का हाथ लेते हुए हम गोल गोल बड़े बना लेंगे। आप चाहे तो बड़ा बड़ा भी बना सकते हैं, फिर छोटे छोटे भी बड़े बना सकते हैं। मैंने इस साइज़ में बनाया है। अब देखिए, इसे डालते जाएंगे तेल में और हल्का सा लाइट ब्राउन करते हुए तलते जाएंगे। चलिए, अब हम इसमें 4 से 5 बड़े डाल लेते हैं और तलते जाते हैं। इसी तरह हम सारे बड़े को तल लेंगे और गर्मा गर्म खाएंगे। आप इसमें चटनी भी ले सकते हैं, अगर चटनी नहीं भी बनाया है तो आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं। चटनी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं लगेगी क्योंकि बहुत सारे चीज़ें डली हैं। देखिए, अच्छा लाइट ब्राउन हो चुका है ना, इसे इसी तरह तलना है। अब ये तला चुका है, मैं इसे प्लेट में निकाल लेती हूँ। अब हम सारे बड़े इसी तरह तल के निकाल लेते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा हो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अपनी एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।